खकनार तहसील मुख्यालय में आदिम जाति कल्याण शिक्षक संगठन द्वारा सोमवार को विशाल रैली और धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पुरानी पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति दो मांग सरकार लागू करे। वहीं धरना कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2005 से पेंशन योजना सरकार ने बंद कर दी गई है और नवीन पेंशन योजना लागू कर दी है, जहां ये पेंशन योजना पूरी तरह शेयर बाजार पर निर्भर है, वहीं अनिश्चित बहुत कम है, जिससे कर्मचारियों को 2 से 4 हज़ार रुपये की पेंशन मिलेगी, जो रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए बहुत कम राशि है, जिससे जीवन गुजारना नामुमकिन है, जिसके कारण सरकार नवीन पेंशन वापस कर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जावे। यदि रिटायर होते हैं उस समय का फार्मूला अलग हो जाता है, उस समय 60% नगद और 40% पर पेंशन बनती है और हम चाह के भी उसको मतलब 100% पूरी नहीं ले सकते, जबकि ओपीएस में ऐसा होता है कि नगद मिल जाता है और 33 साल की सेवा यदि कर्मचारी की पूरी हुई है तो उसको पूरी 50% पेंशन बनती है। तो देखो ये लाभ है ये हानि है। इसके पश्चात मैं थोड़ी वरिष्ठ ज्ञापन में क्या क्या मांगे थे सर? आज इन्होंने दो बिंदु पर ज्ञापन दिया है आज ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा। पहला बिंदु था कि पुरानी पेंशन जो नियम है उसको फिर से लागू किया जाए और किसी शिक्षक के मृत होने पर उसके उत्तराधिकारी को अनुपमा नियुक्ति का जो नियम है उसको तो सरल किया जाए। क्या नाम? ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और अब मैं उसी तरह के लिए शासन को प्रेषित कर दूंगा। क्या नाम सर आपका? मैं संजय वागमारे हूँ, तहसीलदार खकनार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खकनार से उमेश मावसकर की रिपोर्ट।